आप में से सभी लोग शायद पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं भी आप लोग को देख रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत करने से पहले एक अच्छी शुरुआत करना चाहेंगे, वो ये कि जो कलाकारों का, सभी तरह के कलाकारों का, जो विशेषकर रंगकर्मियों का जो हमारा आदि ग्रंथ है, इसके बारे में जानते हैं उसका नाम, जो रंगकर्मियों का जो मूल प्राथमिक प्रथम ग्रंथ है इसके बारे में तो मुझे लगता है कि शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए। शुरुआत मुझे याद करना चाहिए, जैसे हम लोग ओम करते हैं ना प्रणव मंत्र, तो वो हम लोगों को गुरु ग्रंथ सारा। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपको भी बताने आया शिक्षण के रूप में, उसको कुछ जो भी चली आ रही परंपरा उसको ऐड करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे अभी तक कबीर पर जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, अगर वो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन हो तो मतलब नहीं। अभी दिनेश जी ने एक मौलिकता की बात की ना, कि अपना एक ओरिजिनल परफॉर्मेंस होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। अदरवाइज बहुतों की हैं, भीष्म साहनी ने लिखा है कबीरा खड़ा बाजार में, शेखर से भी कबीर होते हैं, कबीर पर कुमार गंधर्व ने भी गाया है, पुरुषोत्तम दास जरोटा ने भी गाया है, बहुत लोगों ने राजस्थान में तो कबीर ने जितना कहा है उससे सैकड़ों गुना आगे करके कबीर के नाम पर तमाम गीत लिखे गए हैं। और वहाँ पर बहुत बड़ा एक आयोजन होता है राजस्थान में, लोग कवि रूप में कबीर को पूजा जाता है, और सारे लोग अपने से बना लिए और नाम कबीर को देते हैं। ये लंबी परंपरा है, छः 70-80 सालों में तो भारतवर्ष में कबीर बहुत बहुत दूर तक जा चुके हैं। यहाँ तक कि किसी को भी कुछ कहना होता है तो उसमें कबीर ऐड कर देता है, उसका डिवेल्यूशन भी हुआ है और स्टैंडर्ड को अपग्रेड भी किया गया है। तो मैं नाट्यशास्त्र की बात इसलिए कह रहा था कि अगर मैं यहाँ आया हूँ, जो कुछ आप जानते हैं या जो कुछ अब तक जाना जा चुका है इस भवन के अंदर या भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में, उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं जो सिग्निफिकेंट हो, जो काम का है ना। तो ये मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है, शायद आपके नॉलेज में वो वृद्धि हो, कि इस एकेडमी का नाम तो भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी है, तो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के नाम पर ही क्यों, जाहिर है कि पहले सोचा गया होगा। अभी सैयद साहब ने और श्रद्धागर जी ने तो लगा कि वो आधुनिक हिंदी पत्ते के लिए पाता है कि उनके नाम पर किया जाए, क्योंकि भारतीय हिंदू का लखनऊ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक और खास बात है जो जानना चाहिए हम लोग को, वो ये कि नाट्यशास्त्र के बारे में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी किताबें मिलेंगी, कपिलाबा सेन जी की आदि लोगों की, उसमें पता चलेगा कि इन्हीं लोगों को पहली बार मिला और फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, फिर एडिट हुआ और फिर एक फाइनल वर्जन हमारे सामने है। लेकिन हम लोग ये जानना चाहिए कि सबसे पहले भारतवर्ष के किसी व्यक्ति ने देशी या विदेशी स्कॉलर में जाना है तो भारतीय हरिश्चंद्र के माध्यम से जाना है। इसको भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी के विद्यार्थियों को जानना चाहिए। नाट्यशास्त्र के बारे में पहली जो जानकारी है वो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को मिली थी और वहाँ से पूरे देश में विदेशी विद्वानों ने लिया था। इसका सारा प्रमाण है कि आप भारतीय समग्र में लिखा हुआ है। उन्होंने पहले जब उनको नाट्यशास्त्र मिला बंगाल से कुछ चीज़ें एशियाटिक सोसाइटी से, तब वो पब्लिश नहीं था, तो उन्होंने एक लेख लिखा नाट्यशास्त्र पर, एक लेख लिखा और उसमें बीमार थे और धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और एक किताब का रूप ले लिया जो अब मौजूद नहीं है। भारतीय हिंदू समय में वो प्रकाशित हुआ था पहला नाट्यशास्त्र, इसको भुला दिया गया। बाद में फिर दूसरे विदेशी स्कॉलर्स ने नाट्यशास्त्र वगैरह की खोज की और फिर धीरे धीरे वो कंपाइल हुआ, फिर बाद में बॉम्बे बनारस और बड़ौदा से छपा और हम लोग उस नाट्यशास्त्र को जानते हैं जो वेस्टर्न स्कॉलर्स ने हमें बताया। तो ये हमें यहाँ के स्टूडेंट्स होने के नाते हम लोग को जानना चाहिए, सबसे पहली जानकारी अगर नाट्यशास्त्र के बारे में किसी ने बताया था वो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने बताया था। अगर आपको इसके बारे में प्रमाण चाहिए तो आप लोग भारतीय हिंदू समग्र देख सकते हैं जो छपा हुआ है, उसमें वो लेख भी है और किताब के रूप में भी बना हुआ है, उसका पहला कवर भी छपा है। तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र को याद करते हुए अब हम आते हैं, क्योंकि ये 2500 साल पुरानी बात है, उड़ीसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुए हैं। अब हम सीधे 15वीं शताब्दी में आ जाते हैं, आप 14वीं 15वीं शताब्दी, वो ईसा पूर्व था, 21वीं है कबीर के समय में। उनके बाद कबीर साहब के बारे में एक सामान्य जानकारी आप हाई स्कूल इंटर के समय से ही जानते हैं, हाई स्कूल कोर्स में ही होता है कबीर सुर तुलसी, और उस समय शिक्षक अच्छे नहीं होने का विद्यार्थियों को चीज़ें रटनी पड़ती है कि अगर पीछे सा सुर आया एग्जाम में, इस बार कबीर आएगा तुलसी आएगा,
और उस तरह से कवि को संदर्भ की व्याख्या कुछ एग्जाम में पास संदर्भ व्याख्या है आपके मन में दिलचस्प उसी समय शिक्षक पैदा कर सकता है ताकि आप कबीर के भक्त हो जाए। नहीं हो तो आप खुद उन पर सोचे, नहीं हो पाते फिर जब आप बीए वगैरह करने जाते हैं बीए में लिटरेचर में तब शायद कबीर कोर्स में और आते हैं प्रेमचंद की तरह उसको पढ़ाया जाता है ना। वो सामान्य जानकारी को लेकर के हम लोग फिर रंगमंच के भी विद्यार्थी होते हैं और कबीर के बारे में भी इतना ही जानते हैं कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ, कबीर कैसे कैसे आए, उनका एक सामान्य जानकारी होती है। तो अब ये मानते हुए कि कबीर के बारे में वो मिनिमम नॉलेज आपके पास होगा, हम उसके आगे की बात करेंगे। मिनिमम नॉलेज मैंने ऐतिहासिक कबीर आपके बारे में जानते हैं कि वो पाए गए थे लहरदार में, शिशु में माता पिता को मिले थे निमानी रूप को, ये सब आप लोग को हाई स्कूल के समय में बताया जाए, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और जहाँ से वो अपनी पत्नी को उनके गांव से लेके लौट रहे थे पिता, वही आज वो माधोपुर नाम था, बाद में आज 600 साल बाद उसका नाम मंडुआ डी हुआ जो आज बनारसी स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वही माधोपुर जो बाद में मंडुआ डी मोहल्ला बना, फिर वो गांव हुआ, फिर शहर का हिस्सा बना, फिर उसको रेलवे स्टेशन बना, आज वो बनारस स्टेशन रूप में जाना जाता है जिसका उद्घाटन वगैरह बहुत धूमधाम से किया है। अभी वो जगह है, वहाँ से लौटते समय लहरता रहे तालाब जहाँ पर शिशु पाया गया था, फिर उसको लेके उन्होंने पालन पोषण किया तो उनका पता नहीं चल पाया कि हिंदू एक मुसलमान है, और फिर बाद में उन्होंने जो जो किया रिवोल्यूशनरी काम किया, समाज को रिफॉर्म करने की कोशिश की और ये भेदभाव हटाने की कोशिश की, तो जेंडर का रेस का जितने भी हमारे भीतर जो डिविजन सेंस ऑफ सेपरेशन है कि आप कुछ हैं हम कुछ हैं, आप काले हैं हम गोरे हैं, आप पुरुष स्त्री, सारे सेपरेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा हमारे भीतर इग्नोरेंस है, हमारा एक डीप रूटेड हमारे भीतर एक इग्नोरेंस का ज्ञान है कि उनके देह त्याग के बाद ही लोग उनके शरीर को लेकर लड़ पड़े कि वो हिंदुओं को दिया जाए जलाने के लिए, हिंदुओं के लिए मुसलमानों ने कहा कि हम दफनाएंगे तो मुसलमान थे, तब भी वो लड़के। तो एक किसी भी रिफॉर्मर का काम क्या होता है समाज में जिसका कोई फर्क समाज में नहीं पड़ता है, ये हमें देखना है या पड़ता है। अगर हमारे यहाँ बुद्ध हुए हैं जो सचमुच में ईसा मसीह में राम और कृष्ण की तरह लोग मिथक की चरित्र नहीं है, लिखा गया कोई कहानी कविता के तरह नहीं है, सचमुच में जो लोग हुए उसमें ईसा मसीह हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, कबीर विवेकानंद है ना, इनके आने से क्या हुआ समाज में? अगर इन लोगों ने 3,500 सालों में जो प्रिमिटिव माइंड है हमारा, जो आदिम प्रवृत्तियाँ हैं, गुफाओं में लोग रहते थे, लड़ाई करते थे, मारपीट करते थे, फिर मिलकर किसी एक आदमी को मार डालता था, अगर आज भी 2022 में मॉब लिंचिंग होती है तो इनके होने का क्या फायदा है? बेसिक रिवोल्यूशनरी या रिबेलियन थॉट एक पहले ही आना चाहिए कि जितने हमारे भारतवर्ष में महापुरुष हुए हैं या जो भी हमारी वैदिक संस्कृति या वैदिक ऋषि परंपरा रही है, बहुत हुए ऋषि मुनि भरे पड़े हुए, उनका विश्व में कहीं नहीं हुआ, उनके होने का समाज पर क्या असर पड़ा? समाज आज भी उसी आदि प्रकृति के साथ, तो फिर हम किसी महापुरुष को क्यों जाने? यहाँ से हम लोग शुरू करना चाहिए क्योंकि हम जहाँ से होते हैं वहाँ से जब हम पीछे जाते हैं, इसको रिसेप्शन एस्थेटिक्स आज इसको पढ़ाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, इसको हर्मेनिटिक्स कहते हैं कि हाउ टू रीड एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट, किसी प्राचीन ग्रंथ को कैसे पढ़ें, क्योंकि आप जब नाट्यशास्त्र पढ़ने जाते हैं तो उसकी भाषा समझ में नहीं आती है ना, आपको एक ही हिंदी अनुवाद मिलता है या अंग्रेजी अनुवाद मिलता है जो बहुत पुराना हो चुका है, मनमोहन घोष का, बाबा शुक्र शास्त्री का, वो क्यों नहीं समझ में आती है? कभी आपने सोचा वो हिंदी अनुवाद अगर है अंग्रेजी अनुवाद है तो बड़े विद्वानों ने किया है, समझ में क्यों नहीं आती है? हमको लगता है कि हम समझ रहे हैं, इसलिए समझ में नहीं आती है कि कोई एक एग्जाम्पल ले लें, अगर कहीं पर हिंदी में अनुवाद किया गया है और उसमें कहा गया है कि अगर पूर्व रंग में नट जब प्रवेश करे मंच पर तो वो प्रवेश पर प्रवेश स्थान पर खड़ा हो और प्रावेशी की ध्रुवा गाई जाए और वर्तमानक का प्रयोग करते हुए आसारित विधि से नांदी पाठ का प्रयोग किया जाए। अब एक वाक्य का अगर संस्कृत से हिंदी अनुवाद हुआ है उसमें 12 टेक्निकल टर्म्स सब किसी ने आपको समझाया नहीं कि ध्रुवा गान कैसे गाया जाता है, आश्रावणा क्या होती है, आश्रावणा विधि से वर्तमानक क्या होता है, प्रावेशी की ध्रुवा ध्रुवा अड्डिता क्या होती है, 5 प्रकार की ध्रुवा गायन होती है, उसमें अड्डिता होती है जो प्रवेश निष्क्राम ऐसे 5 जगह होती है नट के प्रवेश के लिए, वो कैसे गाया जाता है, ये तो उन्होंने नहीं बताया अंग्रेजी हिंदी में, इसलिए समझने में दिक्कत। जब भी कोई बात कोई कहता है
उसमें जब भी टेक्निकल टर्म्स आएंगे और आपको वो समझाया नहीं जाएगा तो आपके लिए ओपेक हो जाएगा। तो हिंदी अनुवाद क्या हुआ, जब भी करे ऐसा करे, यही ना आपके पास हिंदी आया, ऐसे अंग्रेजी में भी आया। तो आप खेल में जाएंगे, कला में जाएंगे, तो वहाँ टेक्निकल वोकैबुलरी आएंगे, शब्दावली आएंगे, जब तक उनको नहीं समझाया जाएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। हमारे भारतीय परंपरा में इसलिए सबसे पहला जो वेद की आरंभ हुआ था तो उसमें सबसे पहला यज्ञ किया गया। यज्ञ का मतलब अग्निकुंड बना के यज्ञ हवन करना नहीं होता है, यज्ञ का मतलब सबसे पहला जो काम किया गया था तो भाषा पर काम किया गया था, जो प्राकृत बोली जाती थी, आम लोग जो बोलते हैं उसको प्राकृत कहते हैं, उसको जो डिफाइन किया गया था तो वो संस्कृत हुआ था। तो पहला यज्ञ हुआ था भाषा संस्कृत बनाई गई। दूसरा यज्ञ किया गया था कि छंद बनाए गए, लिटरेरी कपलेट्स बनाए गए, पोएटिक लैंग्वेज बनाई गई, फिर उसको उस वेद या ज्ञान को लिखा गया, यानी पहले भाषा फिर छंद या काव्य, उसमें ज्ञान को लिखा गया। और फिर जब आप कोई भी भारतीय ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे रामायण महाभारत या पंचम वेद को, तो आप उसमें दो चीज़ मार्क करेंगे कि सबसे पहले तो वो उसका जो ओरिजिन होता है वो डिवाइन ओरिजिन होता है। डिवाइन ओरिजिन समझते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा ने नाटक किया तो भरत को नहीं देखा, तो ब्रह्मा ने स्वर्ग में किया भरत को नहीं दिखता है, हम लोग को नहीं दिखता है, इसका कोई मतलब होता होगा इस भाषा का, इसको माइथोलॉजी का लैंग्वेज कहते हैं, इसको जानना चाहिए, जो हमें नहीं पढ़ाया जाता है, साहित्य में भी कला की क्लास में भी बताया जाता है कि क्यों डिवाइन बिगिनिंग ही है सब चीज़। रामायण में भी, महाभारत में भी, नाट्यशास्त्र में भी, उपनिषदों में भी, सारे प्राचीन ग्रंथों में वहाँ से वो मध्य काल में आना है ना। तो हम पहला जो क्लास है इसमें हम सिर्फ कबीर के बारे में वो सामान्य जानकारियों की तरफ ले जाएंगे जो कि अब तक नहीं बताया गया है स्क्रिप्टी है, और दूसरे क्लास में हम उनके उस फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को लेंगे जहाँ से कुछ ड्रामेटिक न्यूएंसेस ले सके ड्रामा करने के लिए। मेरे सामने क्लियर आप उसको लेने जा रहे हैं, लेने में और हमारे देने के बीच में अगर कोई गैप होता है वो भाषा की कई गैप हो सकता है। एक तो भाषा जो हम बोल रहे हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं क्योंकि हम मिक्स लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं, बांग्ला संस्कृत हिंदी इंग्लिश हिंदी भाषा है, वो आप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एक और भाषा की तरफ हम इशारा कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। तो एक उस समय पोएटिक लैंग्वेज वेद एक कविता के रूप में लिखी गई है, उसको गीत कहा जा सकता है, गान कहा जा सकता है, वो पोएटिक लैंग्वेज लोगों ने डेवलप किया, इससे वेद पढ़ने में आसान हो जाता है, जहाँ से पंचम वेद फिर लिया होता है चारों वेदों से। दूसरा उन्होंने एक लैंग्वेज बनाया माइथोलॉजिकल लैंग्वेज, माइथोलॉजिकल लैंग्वेज होता है कि ब्रह्मा ने नाटक किया, शिव ने कुछ किया, भरत ने देखा, लक्ष्मी ने सरस्वती से कहा, नारद जाकर के किसी किसी पर लोग पढ़ते हैं ना, और हम लोग बहुत दावे के साथ इसको समझते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ है किताबों में अमृत मंथन लिखा होता है जो गलत है, अमृत मंथन कोई नाटक नहीं हुआ है, समुद्र मंथन हुआ है, क्योंकि तो समुद्र का मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, अमृत का मंथन संभव है। एक बार किसी जगह गलती से छप गया किताबों में तब से विद्वान लोग आज तक अमृत मंथन बोलते आ रहे हैं, अगर अमृत के लिए मंथन है संस्कृत में तो अमृताय मंथन होना चाहिए सातवीं विभक्ति के अनुसार, लेकिन वो है समुद्र का मंथन, समुद्र मंथन जिससे अमृत निकला, जिसको गरुड़ एक कलश लेके निकला तो उससे कुछ कुछ बूंदे जो गिरे इसे कुंभ स्नान होता है, करोड़ों लोग कुंभ स्नान करते हैं क्योंकि अमृत गिरा था और सारे करोड़ों लोग मरते भी हैं उस अमृत पान के बाद। कबीर साहब यहीं से इशारा करेंगे, सिर्फ सब लोग इतने कुंभ में स्नान करते हैं वहाँ जाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे, मृत नहीं होंगे, ये सभी लोग फिर मृत होते हैं। तो ये तथ्य है एट होम है, इस पर आएंगे, इसके थोड़ा थोड़ा इशारा करते जा रहे हैं। तो लेकिन इसको पूरा देश समझता है, गरुड़ आज तक किसी ने नहीं देखा है, श्रीकांत वर्मा बहुत बड़े कवि हुए हैं हमारे हिंदी में, उनकी कविता संग्रह का नाम है गरुड़ किसने देखा है, आप पढ़ सकते हैं, गरुड़ को किसी ने नहीं देखा लेकिन सब मानते हैं कि गरुड़ चले थे, कलश में से अमृत छलका था, यहाँ 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 वहाँ वहाँ कुंभ होता है, ठीक है। ये माइथोलॉजी का लैंग्वेज है, ये बनाया इसलिए गया है कि देश के सारे लोगों को लगेगा कि समझ रहे हैं कि बिना समझे उनको लगेगा इस पर, उनको लगेगा यहाँ पर पार्वती जी गई थी उनके कान से गिरा था तो मणिकर्णिका इसमें जुड़ा का नाम हो गया, और वो मान के पीढ़ियाँ इसको मानते चले जाएंगे, ऐसा बनारस में हुआ था, ऐसा वहाँ हुआ था, इन्हीं सब चीज़ों को वो तोड़े हैं कबीर साहब। उन्होंने पूछा कि कहाँ पर मरने से आदमी को मोक्ष नहीं मिलता, लोगों ने कहा कि मगर एक जगह है जहाँ के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ मरने से गधे का जन्म होता है, बोले चलो हम वहीं पर मरेंगे। खाली इस भ्रांति को तोड़ने के लिए
जो अभी हमारी बोली हुई चीज़ आपको अजीब लग रही होगी कि माइथोलॉजिकल लैंग्वेज सबको लगता है कि समझता है, लेकिन एक्चुअली समझते नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि आप जब रास्ते में चल रहे हैं तो आप लोग लक्ष्मी आके नहीं बोलती हैं कि ये कागज़ का ये चिट्ठी है, ये नारद को दे देना, बोल देना कि सरस्वती को दे देना, आपके साथ नहीं होता है। लेकिन आप किताबों में पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और उसको आप मान लेते हैं। ये लैंग्वेज बनाई ऐसे गया है कि लोगों तक कंटेंट ज्ञान कम्युनिकेट जी सर। एक और लैंग्वेज बनाया गया उसी समय वेरी इमीडिएट में, एक पोलिटिक लैंग्वेज बनाया गया था, कहने का ढंग पर बात हो रही है, एक तो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत होती है। दूसरा एक लैंग्वेज बनाया गया था, ये माइथोलॉजिकल लैंग्वेज, इसको हम लोग आख्यान भाषा बोल सकते हैं। तीसरा एक और लैंग्वेज बनाया गया था जो सिर्फ ऋषि की बात ऋषि ही समझेगा, योगी की बात योगी ही समझेगा, इसको अंग्रेजी में कहा गया ट्वाइलाइट लैंग्वेज या अपसाइड डाउन लैंग्वेज, हिंदी में इसको कहा गया है संध्या भाषा। ये संध्या भाषा शब्द सुने तो नहीं सर। संध्या कब होती है? शाम को, जब दिन खत्म हो रहा है और रात शुरू हो रही है। चार से पांच संध्या के समय में क्या होता है, आप अगर दूर देखेंगे कि आदमी आ रहा है या जा रहा है वो क्लियर नहीं होगा। कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा भी छाता है और रोशनी रहती ही है, पूरी तरह से रोशनी गई नहीं रहती, पूरा दिन नहीं लगता, वो संधि काल होता है। ऐसे ही भोर में भी होता है, जब रात और दिन मिलते हैं तो दोनों में संध्या किया, क्योंकि जो पूजा करते हैं वो संध्या करते हैं सुबह शाम, दोनों संधि काल है। उसी संधि से संधि भाषा बनी, फिर उसको सांध्य भाषा कहा गया, फिर वो संध्या भाषा। अब संध्या भाषा में क्या होता है कि आपको ज्ञान की बातें कही जाएंगे लेकिन आपको थोड़ा समझ में आएगा, बाकी समझ में नहीं जी सर, और आपको बातें उल्टी लगेंगी। तो आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको उलट बासी कहा गया, उल्टी वाणी, कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कमर भीजेगा। ये लाइन सुनी होगी आप, नहीं भी सुने होंगे तो इतना सुनेंगे कबीरदास की उल्टी वाणी, ये लाइन तो सुनी। हाँ, ये सुना है। उल्टी वाणी लग रहा है कि कंबल बरस रहा है पानी भीग रहा है, भाई पानी बरस रहा है कंबल, तो ये कहा गया, लेकिन इसका मतलब क्या है कौन शिक्षक बताएगा? हिंदी से जो लोग एमए करते हैं, अंग्रेजी से जो एमए करते हैं, जो इंडियन लिटरेचर पढ़ते हैं, जो ड्रामा पढ़ने आते हैं, जो कबीर पंथ के लोग हैं, आप उससे जरा पूछिए कि ये पानी भीग रहा है और कंबल बरस रहा है से क्या मतलब हुआ? कुछ तो मतलब होना चाहिए। फिर नॉनसेंसिकल सेंटेंस है, नॉनसेंस सही है ना, नॉनसेंसिकल पोएट्री भी हमारे लिखी गई भारतवर्ष में, बांग्ला में सतीश ने, पिताजी ने लिखी है, बहुत लोकप्रिय है, इसको बांग्ला में आबोल ताबोल बोलते हैं, अंग्रेजी में नॉनसेंस पोएट्री बोलते हैं उसको, उसका भी मतलब है। लेकिन कबीरदास जी जो बोल रहे हैं वो नॉनसेंसिकल क्यों लग रहा है? नॉनसेंस समझते हैं जिसमें कोई सेंस ना हो, कैसे इसका मतलब क्या होगा? और हम उसका भाष्य करने नहीं आए क्योंकि वो सारी कहीं कोई कोई किताब हो, किसी ने उसको समझाया होगा तो आपको पढ़नी चाहिए। तो वो जो हिस्टोरिकल कबीर हैं उस पर कोई बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे लिए कबीर एक टाइमलेस बीइंग है, कालातीत समयातीत, जो हर काल में है अभी है, 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में नहीं हुए, वो जो हुए वो व्यक्ति हुए, वो ऐतिहासिक व्यक्ति ही थे। जैसे बुद्ध जो थे वो ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जिनका जन्म कहीं हुआ था, वो किसी के बेटे थे, राजा शुद्धोधन के बेटे थे, वो व्यक्ति के बारे में हम नहीं बात करें, वो ऐतिहासिक चरित्र है। बुद्ध ने ऐतिहासिक चरित्र के रूप में पद्मश्री पाने और साहित्य अकेडमी पाने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो समय के पार चले गए थे ज्ञान के स्तर पर। हम उस बुद्ध पर बात करेंगे, हम उस भरत मुनि पर बात करेंगे, हम उस कबीर पर बात करेंगे जो महात्मा थे, जो योगी थे, जो समय काल, समय और देश काल, समय और दिन मान के पार चले गए, ठीक है? तो हम उस कबीर पर नहीं बात करने जा रहे हैं जिसको आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े थे, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी पर नहीं बात करें, कब जन्म हुआ, कब मरे, कहाँ मरे, ये नहीं, ठीक। अब जो जानकारी उनके बारे में चाहिए आपके लिए, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए, वो जानकारी इस पहले क्लास में देने जा रहे हैं, वो ये कि हम लोगों ने 600 साल बाद कबीर को जाना कैसे, ये हम लोग को जानने की कोशिश करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। 600 साल पहले अकबर ने भी ऐसा नहीं किया था, भाई कबीर को जाना जाए, इसे कहीं पर इसका शिला लें, कबीर एक बनवा दिया जाए, जैसे कि अशोक ने किया था बुद्ध के लिए, कबीर के लिए किसी ने नहीं किया था, वो इतने विवादित थे कि ना हिंदू संगठनों ने कुछ किया था, ना मुस्लिम संप्रदाय ने कुछ किया था, ना कबीर ने अपना कोई संप्रदाय बनाया था,
बल्कि इसकी भी भ्रांति है कि उनके बच्चे थे या नहीं, तो शादी किया था या नहीं किया, बहुत सी कहानियाँ हो गई हैं। मैंने कबीर एक सीरियस कबीर से लेके नॉन सीरियस तक हो गया है। कहे कबीर सुनो भाई साधक बात को मैं खड़ी, अगर ये दुनिया एक नंबर तो मैं 10 नंबर, यहाँ तक भी नीचे उतारा गया है। एग्जैक्टली कबीर को हम लोग कैसे जाने, तब जानेंगे जब हम लोग उस टाइमलेस व्यू को जानेंगे। टाइमलेस होना क्या होता है, शून्य होना क्या होता है, शून्य की ओर से बोलना क्या होता है, मन क्या होता है, चेतना क्या होती है, आत्मा क्या होती है, हृदय क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। अकेलापन क्या होता है, ऊब क्या होता है, पढ़ के नौकरी करते हैं हमको कोई नौकरी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, अवार्ड मिल जाता है, हम फिल्म इंस्टीट्यूट एन एस डी के डायरेक्टर हो जाते हैं, पद्म विभूषण मिल जाता है, लेकिन मन की अशांति का क्या करें, वहाँ पर कबीर चाहिए होता है। ऐतिहासिक कबीर नहीं, कोई चेतना, शुद्ध चेतना, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो वो 600 साल बाद हमें पता कैसे चला, इसकी इसकी जानकारी होनी चाहिए और इस यहाँ से सीरियस डिस्कशन आरम्भ होता है। ठीक है, हमने आरम्भ किया था भरत मोहन के नाटक का, जिसके बारे में पहली जानकारी विश्व को मिली थी भारतीय दूरदर्शन से, जो राजमिसाइल समय के समय से लेकर अभी तक लोग नहीं बता पाए थे विद्यार्थी। सच संजोग बना, अभी आपका भी सौभाग्य हमारा भी कि हम लोग ये अच्छी चर्चा कर पा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने नाटशास्त्र तो लिख दिया था भारतीय दूरदर्शन ने, उसके पहले और किसी ने नहीं लिखा था किसी भाषा में, ये छूट गया है कपिला वात्स्यायन आदि आदि तमाम लेखने आदि और जो स्कॉलर्स। अब हम आ रहे हैं इस पर कि कबीर साहब को हम लोगों ने कैसे जाना। आज से 100 साल पहले बनारस में एक स्कॉलर हुए हैं, उनका नाम है क्षिति मोहन सेन। क्षिति मोहन, आप में से कोई बंगाली है? नहीं ना, क्षिति मोहन सेन बहुत बड़े स्कॉलर थे, लिटरेचर फिलोसॉफी के आदमी थे। उनके मन में इच्छा पैदा हुई कि काशी में भारत में हजारों ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, ऋषि मुनि योगी हुए ना, हम लोग बहुत आसानी से बोलते हैं ऋषि मुनि योगी साधु संत, सब शब्द का मतलब है और शब्द का मतलब नाम नहीं है, यहाँ पर ये सब क्रिया है, सबका एक निरुक्तिगत अर्थ है, एटिमोलॉजिकल मीनिंग। जैसे शिव शंकर महादेव ये सब शब्द भैरव, ये किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब है जी, एक गहन अर्थ है जिसके कारण से उन प्रतीकों से हम लोग एक रूप बनाए शिव और भैरव और शंकर, संकेत है सर, पूरा संकेत है उनका, जो संकेत है जो एक्चुअली जो ज्ञान है उस ज्ञान को बताने के लिए रूप दिया गया है, तो उसके सिंबल्स बनाए गए हैं जी। जैसे बुद्ध कौन थे कोई नहीं देखा है, तो जो पहले स्कल्पचर मूर्ति बनी तो बुद्ध एक योगी के क्या क्या चिन्ह होते हैं उसकी कल्पना करके हम लोग को बुद्ध का बनाया गया और कबीर का बनाया गया। कैसे बनाया गया, योगी जो होता है उसके हाथ घुटने से लंबे होते हैं क्योंकि हाथ को लंबा बनाया गया, कान बड़े होते हैं, उन्होंने मध्य मार्ग का संकेत दिया था, मध्य मार्ग हमारे जीवन में ज्ञान मार्ग है, तो हथेली को ऐसे बताया गया और बीच की उंगली को मिलाया गया। आप लोग सभी नोटिस नहीं किया जी सर, आप लोगों ने शायद ये भी नोटिस नहीं किया होगा कि नटराज की मूर्तियाँ जो लोग खरीद के ड्राइंग रूम में सजाते हैं तो बायां पांव उठा रहता है लेफ्ट लेफ्ट, क्यों सर ये नहीं पता। तांडव को मतलब हम लोग ये समझते हैं कि जो गुस्से में आके डांस होता है, डांसर जब डांस करती है पूरे देश में आपने मार किया होगा, तो वो ब्रह्मा दिखाते हैं विष्णु दिखाते हैं, तांडव में वो बिल्कुल आंख बढ़ा करके तांडव दिखाते हैं। तांडव के मतलब कहीं लिखाई नहीं है, नाटक में भी नहीं लिखा है। तांडव 9 रस होते हैं, तो 9 तांडव बताए गए हैं और शिव का पहला परिचय दिया गया है आनंद तांडव। जब आनंद तांडव होगा तो दाहिना पांव उठेगा शिव का, और जब नटराज की भंगिमा होगी तो पाया पाँव जो आपने कहा, आपने इसको लक्ष्य किया है, नोटिस किया कि उसके नीचे एक आदमी भी लेटर रहता है, वो बौना होता है, वामन, उसका नाम है अपस्मान, वो अज्ञान का प्रतीक है, हर चीज प्रतीक है, पाया पाँव उठने का प्रतीक है, बुद्ध की ये उंगली मिलने का प्रतीक है, सारे हमारे जो पेंटिंग स्कल्पचर हैं वो सब ज्ञान का, ज्ञानी का क्या लक्षण होता है उसको देख के बनाया गया, किसी ने कबीर को नहीं देखा है, वरना कबीर मोर पंख क्यों लगाएंगे सर, हर चीज प्रतीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा समझने जा रहे हैं, प्रतीक भाषा समझने जा रहे हैं सर, ऐसा क्यों किया गया सर, बुद्ध का बता दीजिए उन्होंने ऐसा क्यों किया। बुद्ध का ये हमने बताया कि अजानु बाहु, बाहु जो होता है घुटने से नीचे होता है, उनके हाथ लंबे बनाए गए, कान बड़ा बताया गया है, वो अनहद नाम को सुन सकते हैं, प्रीमॉडियल साउंड को सुन सकते हैं, कान हमारे पास भी है, कान उनका बड़ा नहीं था लेकिन उसका विस्तार वो कर सके, वो देश काल के बाहर भी जो साउंड है उसको सुन सके। तो आप अगर गौर से अब बुद्ध को देखने जाएंगे तो सब चीज़ों को मतलब ढूंढने जाएंगे, इसका क्यों मतलब है, आप ऐसे क्यों,
शिव का आधा खुला आधा बंद होता है, बुद्ध का बंद क्यों है, खुला क्यों नहीं है, और हमेशा वो सुख के रूप में क्यों मूर्तियां बनाई गई हैं, चाहे लेटे हुए तो सुख से आनंद में है, बैठे हैं तो सुख में है, कभी भी विभत्स बुद्ध क्यों नहीं बनाया गया, कुछ और क्यों नहीं बनाया गया। तो उसी तरह से आप कबीर के लिए जो पद को पढ़ने जाएंगे तो प्रतीक और भाषा की तरफ जाएंगे। तो जो मैं तीसरी भाषा बता रहा था वैदिक समय में जिसका गठन हुआ था वो हुआ था संध्या भाषा, लेकिन उस वक्त में क्या हुआ था उसको जब हम पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक ढंग से देखे जाते हैं। आजकल पूरे विश्व में पढ़ने की का जो पेडागोजी डेवलप हुआ है उसको हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं। हर्मेन्यूटिक्स का मतलब, हर्मेन्यूटिक्स एक शब्द है, ग्रीस में जब ग्रीक भाषा नहीं बोली जाती थी, ग्रीस शहर जानती हैं जी, तो वहाँ जो ग्रीक भाषा नहीं बोली जाती थी तो जो ईश्वर के दूत होते थे जो समाज में जाते हैं और ईश्वर का संदेश देते हैं कि सदा सत्य बोलो, ईमानदार बनो, झूठ मत बोलो, ईश्वर का दंड मिलेगा, ईश्वर कुछ, इसे बोलने वाले जो लोग होते हैं उनको हर्मेन्यूटिक्स कहते थे। फिर ये शब्द ऑब्सोलीट हो गया, लोप हो गया। फिर 18वीं शताब्दी में यूरोप में इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इस शब्द को फिर से रिकॉइन किया गया, हाउ टू रीड एन एंशियंट टेक्स्ट, हाउ टू रीड ए बिब्लिकल टेक्स्ट, बाइबल को कैसे पढ़े आज से, उस समय से नहीं जब ईसा मसीह का और न्यू टेस्टामेंट लिखा गया, भरत मुनि को पढ़े आज की तारीख से, आज अगर बृहस्पतिवार है 14 अप्रैल 2022 यहाँ से कैसे लिखता है, हम सांस अभी ले रहे हैं, हम उस प्राचीन भाषा के की ओर से नहीं आएंगे, हम यहाँ से जाएंगे, इसको रिसेप्शन एस्थेटिक्स कहा गया, ये रिसेप्शन थ्योरी कहा गया। तो हर्मेन्यूटिक्स जानना चाहिए हम लोग सबसे पहले, हम लोग को कॉन्शियसनेस जानना चाहिए, चेतना, ये सब आज की भाषा की शब्दावलियाँ हैं, पूरा विश्व इस शब्दावली में सोच रहा है, हमें इस तरह से आधुनिक ढंग से सोचना सीखना है, इसके लिए हम यहाँ पर हैं, अदरवाइज कोई भी आपको कुछ भी बता सकता है। हम ऐड करने आए हैं, जैसे मैथमेटिक्स में होता है विश्व में अब तक गणित में ये हुआ है, अगर कोई नया विद्वान ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो उसकी कोई भूमिका नहीं। फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में लोग ऐड करते हैं, केपलर ने कुछ बनाया, गैलीलियो ने कुछ बनाया, कोपरनिकस ने कहा कि सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करती है, गैलीलियो ने कहा कि नहीं पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, ऐसे करते करते आइंस्टाइन तक आया, स्टीफन हॉकिंग तक आया, ऐड करना, हम लोग कला में ऐड क्या करते हैं। आपसे पहले भी खास ढंग की भाव भंगिमा में लोगों ने एक्टिंग किया है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, आप कैसे एट्रीब्यूट कर सकते हैं उसे, वही मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। कबीर के बारे में जो जानकारी है उसको आधुनिक ढंग से हम कैसे जानने चाहें ताकि मेरी कोई जरूरत न पड़े और आप खुद अपनी चेतना से सीधे कबीर का साक्षात्कार कर सकें, मेरी भूमिका इतनी। ठीक है, एक विद्वान होता है जिसमें विद्या होती है, संस्कृत में एक और शब्द बनाया गया अनुचानक, विद्वान पर विद्या होती है, जरूरी नहीं तो किसी को समझा भी दे, अनुचान का मतलब होता है जिसके पास ज्ञान है वो दूसरे तक वो भेज भी सकता है, उसको शिक्षक कहते हैं। अनुचान संस्कृत में इसको अनुचानक कहा गया है। तो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को जाननी चाहिए। तो हर्मेन्यूटिक्स हम लोग ने समझ लिया, कॉन्शियसनेस शब्द को जानिए, कॉन्शियसनेस हमारे यहाँ भारत में ये तीन चीज़ें मानी गई है कि हमारे यहाँ शरीर है, मन है और आत्मा है। भारत के बाहर आत्मा का कोई स्कोप नहीं, आत्मा शब्द ही नहीं है, इसलिए वो कॉन्शियसनेस को अलग ढंग से देखते हैं। हमारे देश में कॉन्शियसनेस को कहा गया है कि ये इसके दो रूप हैं, एक है इमानेंट, एक है ट्रांसेंडेंट, ये सब शब्द सुन लीजिए। इमानेंट का मतलब होता है प्रकृति और ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है परात्मा। प्रकृति का मतलब यहाँ ये है कि वो जो शुद्ध चेतना जिसको हम लोग ईश्वर या ब्रह्म कहेंगे कबीर की भाषा में, वो हम सब में मौजूद है, हर चीज़ में मौजूद है, ग्लास में भी, टेबल में भी, यहाँ भी, और जो शून्य जगह खाली जगह उसमें वो इमानेंट है, सब में मौजूद है, दिखता नहीं है। और ट्रांसेंडेंट है मतलब वो इसके परे, ये ईश्वर का रूप बताया गया, हमारे यहाँ चेतना का रूप बताया गया, कॉन्शियसनेस। तो जो योगी ऋषि मुनि साधु संत ये शब्द बोलते हैं हम लोग ना, कोई कुछ भी बोल देता है, जैसे कोई बोलता है कि भरत मुनि ने जो भाष्य लिखा है नाट्यशास्त्र का, तुलसीदास जी ने जो व्याख्या की है, उसकी जो टीका लिखी है, कब टीका बोले, कब भाष्य बोले, कब वृत्ति बोले, कोई सेंस हम लोग पास नहीं होता है, कुछ भी बोल देते हैं। तुमने रामचरितमानस का भाष्य पढ़ा, तुमने रामचरितमानस की टीका पढ़ी, तुमने अभिनयगुप्त की टीका पढ़ी, टीका अलग चीज़ होती है, भाष्य हर शब्द का एक डीपर मीनिंग होता है, सेंसिबल स्टूडेंट को वही शब्द बोलना चाहिए जो सेंसिबल हो। सब लोग बोलते हैं कि अभिनयगुप्त ने जो टीका लिखी है,
अपने पुत्र ने टीका लिखी है, नाटशास्त्र की ने भाष्य किया है, उन्होंने वृत्ति लिखी है। अब राजशेखर ने काव्य मीमांसा में बताया है कि अंग्रेजी में एक ही शब्द कॉमेंट्री, हिंदी में आठ होते हैं, टीका, भाष्य, व्याख्या, समीक्षा, वृत्ति, विवृत्ति, विमर्शनी, ऐसे बताए गए। हम लोग को जानना चाहिए, हम लोग पढ़ना नहीं चाहते इसलिए बोर हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से, तो वो मेरा काम है बताना, आप में रुचि जागृत करना। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं साधु, संत कुछ भी बोल देते हैं, नहीं, जो साधु होगा वो साधु ही कहलाएगा, वो योगी नहीं कहलाएगा, जो योगी होगा वो महात्मा नहीं कहलाएगा। जिसको वो दिखता है, जो हम लोग को जो अदृश्य जगत के पार, उसके ऋषि कहते हैं। इसकी विरुक्ति बताई गई, विरुक्ति का मतलब होता है, डॉक्टर साहब के छठे अध्याय में कहा गया है कि आप हमें बताइए कि निरुक्ति क्या होता है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, रस क्या होता है बताइए, कारिका क्या होता है बताइए। बहुत लोग बोल जाते हैं डॉक्टर साहब के फलाने श्लोक पर लिखा है, श्लोक कहीं है ही नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब के 6000 श्लोक है, उसमें साफ लिखा है कि इसको कारिका कहिए, पूछ रहे हैं आप प्रेम ऋषि कारिका किसे कहते हैं, समझाइए, कारिका बता रहे, इसको कारिका कहते हैं, 6000 कारिका ऐसे श्लोक नहीं है। हम लोग बोल जाते हैं अभिनव गुप्त ने भाष्य लिखा है, 6000 कारिकाएं हैं, वो साधु संत थे, वर्त मुनि थे, मुनि किसको कहते हैं जिन्होंने मौन की साधना की, इसके लिए मौन बनाए गए मेडिटेशन। ऋषि किसे कहते हैं, मंत्र दृष्टा रहो विषय, जिसको मंत्र दिखता है जो हमें नहीं दिखता, मंत्र यानी ज्ञान, उसको ऋषि कहा गया है। सब चीज़ का एक डीपर मीनिंग है, इसलिए सारे विद्यार्थियों को, विशेषकर कला के विद्यार्थियों को, सोच समझ के सारे शब्दों को चयन करके बोलना चाहिए। अगर उसको अर्थ पता होगा तभी बोल पाएगा, नहीं तो नहीं बोल पाएगा जी। ठीक है, तो हमने भाष्य आदि की बात कर दी, हमने ऋषि मुनि साधु की बात कर दी, साधु मन जिसमें साधुता हो, सज्जनता हो। कबीर साहब के जितने भी दोहे पद हैं आपने देखा होगा, आगे भी लिखा है, कहत कभी सुनो भाई साधु, क्यों नहीं कह रहे हैं कहत कभी सुनो भाई गौतम, सुनो भाई मुनि, क्यों नहीं कह रहे हैं, यानी बुद्ध का सारा संबोधन साधुओं को है, हमें आपको भी नहीं। ताकि आपको ज्ञान के कई रास्ते दिख जाए, वहां से आप कबीर के अप्रोच करें, न कि कबीर का जन्म लहटारा भी हुआ था, कबीर भूल करते, कबीर ये करते थे, कबीर ने हिंदू मुसलमान को ऐसा किया, ये तो कहा जा चुका है। आप नया क्या देने जा रहे हैं समाज को, मौलिक आपके पास क्या होगा, मौलिक ढंग से सोचने को सीखने, कैसे मौलिकता आती है, क्योंकि तो एक मुहावरा ये भी है कि देर इज नथिंग न्यू अंडर दिस सन, जो कुछ भी आप कहने जा रहे हैं वो सूरज के सामने कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ हो चुका है, आप नया कह ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ कलाकार ही होता है जो हमेशा नए की रचना करता है, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब होता है न्यू और ओरिजिनल, अगर वो नया नहीं है और मौलिक नहीं क्रिएटिविटी, तो फिर कैसे किया जाए अगर कुछ भी नया नहीं है, तो देर इज ऑलवेज न्यू एंड ओरिजिनल अंडर द सन ऑफ योर प्रतिभा। आपको जितने जो प्रतिभा है, प्रतिभा को भी जांचने के लिए शर्त बताया गया है, आप अपना 2 साल या 22 साल ना गुजारने, आपके अंदर अभिनय करने की प्रतिभा ही नहीं है, पता चला कि आपने 20-22 साल गुजार दिया, पहले ही पता चल जाए आपके आपको कि आपके अंदर अभिनय करने की, स्टेज डिजाइन करने की, लाइट की, स्टेज क्राफ्ट की, डायरेक्शन की प्रतिभा है कि नहीं, नक्शा तो ऑलरेडी बदल गया, पहले जाँच तो जाए तो आपका एक भी समय बर्बाद नहीं है ना। तो प्रतिभा के सूरज में ही आप नया रच सकते हैं, आपके भीतर की प्रतिभा को बाहर लाने का काम शिक्षक का होता है, जो हम लोग करते हैं। 2 साल में अगर आपके पास भीतरी इन्वायरमेंट बाहर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बाहरी इन्वायरमेंट मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस हम बता रहे थे कि एक होता है ट्रांसेंडेंटल, जब योगी महात्मा लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करने को भी अभी बताएंगे क्या किस से करते हैं, ये देखिए एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज और इंटरनेशनल योगा डे में फोटो लगाते फेसबुक, वो नहीं होता है, न रामदेव जो सिखाते हैं वो योग है, न दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है वो योग है, योग का मतलब ये सब होता ही नहीं है, वो सीधे व्यायाम है, व्यायाम को अब योग कर दिया गया। ऋषि मुनि योगी लोग योग करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या क्या करते हैं, आई तपस्या करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको पता नहीं पाते, गूंगे के गुड़ की तरह कभी की भाषा, जो ज्ञान मिला उनको, जो प्रकाश मिला, जो आनंद मिला, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो अज्ञानता का रोग है उसको मिटा दें, तब वो डॉक्टर हैं, वो सब रोगी हैं, बुद्ध डॉक्टर हैं, हम सब रोगी हैं, कभी डॉक्टर हैं, हम सब रोगी हैं,
उनको लगता है सबका रोग हटा दे, सबसे दुख हटा दे। हर बच्चे के भीतर जो तमाम तरह के संघर्ष हैं, दबाव हैं, जॉब करो, वो ड्रामा करने लगते हैं, माँ बाप बोलते हैं ड्रामा करके क्या होगा, आदि आदि जितने भी तरह की परेशानियाँ हैं, वो जो भी इसको ज्ञान प्राप्त होता है तुरंत बांटना चाहता है, क्योंकि उस पर रोशनी है, रोशनी पूरी दुनिया में बांटना चाहता है, लेकिन उसकी भाषा समझनी है, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल प्लेन में उसको समझ में आया है। इसके लिए वो इंटेलेक्चुअल भाषा बनाता है ताकि उस ज्ञान को आप तक पहुंचा सके, यानी वो परे की भाषा को प्रकृति की भाषा में लाता है और आप तक पहुंचाता है, फिर भी कठिन हो जाता है वेद पढ़ना, पंचम वेद पढ़ना, कबीर पढ़ना, ठीक है। वो जो ऊपर वाली जो लेवल है उसी को स्वर्ग कहा गया है। हम सुनते हैं कि तुम ऐसा काम करोगे स्वर्ग जाओगे, वो अमेरिका अप्सराएं मिलेंगी, ऐसा करो नरक जाओगे, इस सब हम लोग को बरकलाया गया है। जो चेतना का उच्चतम स्तर है जिसको ट्रांसेंडेंटल प्लेन है, परा, वो स्वर्ग, वहां पर इसी भरत मुनि को ब्रह्मा और शिव सब लिखे, आपको भी दिख सकता है। फिर उसको नीचे लाए धरती पर, पृथ्वी पर, और पहला समुद्र मंथन नाटक किया, मतलब वो हमारे इस लेवल पर आए, चेतना के स्तर से वो आ जा रहे हैं। इसलिए हम लोग को जानना चाहिए सब चीजों की ओरिजिन डिवाइन क्यों है। क्लियर हो गया। दूसरी और अंतिम बात ये, हमारे भारत के सारे ग्रंथ डायलॉजिकल फॉर्म में लिखे, वेद से लेकर आज तक। डायलॉजिकल फॉर्म मतलब संवाद की भाषा। आत्रेय मुनि भरत मुनि से पूछे नाटक क्या है बताइए, तो बता रहे वह ये नहीं भरत मुनि लिख रहे भाई देखो नाटक ये होता है, रस ये होता है, नहीं बता रहे, पूछ रहे तो बता रहे। अर्जुन पूछ रहे हैं जीवन और मृत्यु के बारे में, कृष्ण बता रहे हैं डायलॉजिकल फॉर्म, या केवल मैत्री संवाद, कठोपनिषद में नचिकेता, यम संवाद, सब संवाद शैली में हमारे भारतीय करते हुए क्यों हम लोग को पूछना चाहिए। ये जो पूछना है यही विद्यार्थी, विद्यार्थी होना फीस रसीद होने से नहीं होता, आइडेंटिटी कार्ड रखने से नहीं होता है। हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि वो मर गया तो पंच तत्व में विलीन हो गया, तब जानते हैं कि हम लोग पांच तत्वों से बने हैं, और इसी बॉडी को लेकर लोग ड्रामा करते हैं। पांच तत्वों पर कभी चर्चा नहीं होती, फाइव एलिमेंट्स आप जानते हैं क्या क्या है, फाइव एलिमेंट जानते हैं श्री बनाए, हम लोग रोज पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं, तभी क्यों चर्चा होती है जब पंच तत्व में विलीन हो जाता है, हम उसे यूज कर सकते हैं ड्रामा में, पांच तत्व का है ना, कैसे पानी ले ले कोई एग्जांपल, पानी ले लो तो कैसे हम पानी, हमारे अंदर पानी बोलेंगे हमारे अंदर तीन चौथाई पानी है, उसका ड्रामा में क्या यूज, पानी की प्रवृत्ति क्या होती है, वृत्ति पढ़ाया जाता होगा नाटशास्त्र में, पानी की वृत्ति क्या होती है, अधोगा निम्न, हम लोग उसको टूलूज मशीन से ऊपर चढ़ा सकते हैं, वो हमेशा नीचे की ओर आता है, ऊपर नहीं जा सकता, वो उसकी प्रवृत्ति है, स्वभाव है। आप सूखा मर्चा लेके अगर आग के सामने रखेंगे तो आपका आग चलेगा, इसमें सूखे मर्चे का कोई कसूर नहीं है, हरा मर्च करें, मिर्च करेंगे, तेज पत्ता करेंगे तो नहीं होगा, स्वभाव है, पानी का ये स्वभाव। तो जब आपको कोई काम मिलता है, असाइनमेंट मिलता है कॉलेज से, और जाड़े का दिन है, आपको रात में मन कर रहा है सो जाए, तो आप क्या करते हैं, सुबह करते हैं, चार बजे का अलार्म लगा देते हैं, चार बजे सोचते हैं कि अभी थोड़ा और सो लें, पाँच हो जाता है रजाई के अंदर से, फिर पाँच से छः होता है, फिर जब नौ बजे आता है डालते डालते आप सोचते हैं आज नहीं जाएंगे, कल बोल देंगे बीमार पड़ गए थे, दरअसल वो आपकी कोई गलती नहीं होती है, पानी जो कि अधोगामी वृत्ति है वो ऐसा कर रही है आपके लिए, पांच तत्वों में से वो अपना खेल दिखा रही है। ये एक स्टूडेंट को समझना चाहिए, आम आदमी नहीं समझता इसको, वो जो समय टाइम क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज टाइम में कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं लाइफ में, माइंड क्रिएट करता है टाइम के बारे में, तो आप क्रिएट कर रहे हैं कि एक घंटा सोलह से बात करेंगे, आप टाल रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या होती है, जरा दी फेम अपवर्ड उर्दगामी होता है, तो जब आप चार बजे सोच रहे हैं कि एक घंटा बात कर लेंगे, अचानक भीतर से आ सकता है आपके भीतर कि नहीं काम बहुत जम जाएगा, असाइनमेंट पूरा कर लेंगे अभी सो, वो विवेक होता है। तो पानी आपसे ऐसा करवाती है, आग ऐसा करवाता है, पानी से आग होने की जो प्रक्रिया वो विद्यार्थी ऐसे शिक्षक का भी है कि अपॉइंटमेंट होने से शिक्षक नहीं होता है, उसका पोशाक होना चाहिए, उसको क्लास में आना चाहिए, ये ध्यान नहीं जाना चाहिए कि देखो मैडम की कान की बारी कितनी अच्छी लग रही है, कैसी साड़ी पहनी हुई है, अब अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ा रही है, फिजिक्स पढ़ा रही है, तो आपका ध्यान तो कान की बारी और साड़ी और हाइजीन की तरफ चला गया, यानी उसका भी एक ऐसा पोशाक होना चाहिए कि आपका ध्यान पोशाक में न जाए, ज्ञान में।
उसी तरह से विद्यार्थी भी होती है। अब आग और पानी का जैसे मैंने बताया, बाकी तत्वों का आप सोचेंगे, है ना, पांच तत्वों का, जिसका कि यूज हमारे रंगकर्मी जीवन में पड़ सकता है, इसका यूज हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ। फाइव एलिमेंट्स में कैसे यूज हो सकता है हमारे, क्योंकि हम पांच तत्वों के स्वभाव को जाने नहीं जाते, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि क्यों डिवाइन बिगिनिंग होती है हमारे ग्रंथों की, डायलॉजिकल फॉर्म जो आखिरी बात जानना है, इसको हम लोग विषय प्रवेश करना है। कबीर नामक एक पूरी स्कूल में प्रवेश करने से पहले हम लोग विषय प्रवेश कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, पहले वाले क्लास में। डायलॉजिकल फॉर्म में क्यों लिखा गया, कभी आपने सोचा, रामायण महाभारत, आप रामायण महाभारत पढ़ने जाएंगे देखेंगे कि शौनक महात्मा इस महात्मा से बात कर रहे हैं कि दूसरे महात्माओं ने क्या देखा, फिर वो बता रहे हैं कि दशरथ के बेटे का जन्म हुआ है। संवाद शैली में क्यों लिखे, और अगर संवाद शैली में लिखे गए हैं तो हम लोग एक दूसरे तरह के संवाद की बात क्यों करते हैं नाटक। संवाद सूक्त है वेद में, ऋग वेद में संवाद सूक्त है। पहला संवाद पूर्णवा उर्वशी के बीच, ये जानते हैं आपको, पहला संवाद हमारे पूरी पृथ्वी का जो पहला डायलॉग है क्या हुआ, लेकिन मेरा ध्यान शायद गर्मी की जगह पर किसी और चीज पर, आप देखिएगा आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो उधर से ध्यान चला जाता है। जैसे एक लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बात कर रहे हैं या दो बॉयफ्रेंड बात कर रहे हैं, एक जो है अपना मुंह से कान में रख के अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, और उसके कान के पास उसका मुंह है, आधे घंटे तक बताया, फिर बोला कि बताओ हम क्या करें। ये लड़का सुन के बोल रहा है क्या क्या करें, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। उसने देर तक आधे घंटे तक उसने कुछ सुनाई नहीं ना, यानी अगर हमारा ध्यान कहीं और रहता है तो वर्तमान से ध्यान नहीं रहता है। अगर हमारा ध्यान कबीर नामक प्रकाश की ओर है तो इस प्रकाश और लाइट को नहीं ध्यान रहेगा। इसको बताने के लिए मैंने एग्जाम दिया कि बीच बीच में कई टीचर्स को जो बुक सुनाते रहना पड़ता है, क्योंकि पहले वो ही था। सर आपने क्या बताया, पूरी पृथ्वी का पहला संवाद, पहला संवाद ऋग वेद में है, संवाद सूक्त में, जब पूर्णवा हमारे यहाँ के पृथ्वी का राजा था और उर्वशी अप्सरा, तो हुआ क्या था, विष्णु नाराज हो कैसे दंड दिया जाता है, तुम पृथ्वी लोक में जाओ। क्यों पृथ्वी लोक में जाओ, क्योंकि पृथ्वी लोक में दुख है, जहाँ पर खुशी सुख आनंद की आप कामना ही नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे तो आप अज्ञानी है। इस पृथ्वी में तीन भाग पानी है, तीन चौथाई, तीन भाग दुख है। यहाँ पर अगर आप सुख की कल्पना कर रहे हैं तो आपके पास अज्ञान है, जिसके लिए महात्मा लोग इशारा करता है इस पृथ्वी से उम्मीद मत करो, यहाँ दुख ही मिलना है। तीन भाग पानी है तो तीन भाग दुख ही है, पानी को दुख के साथ कैसे जोड़ते हैं। अभी बताया ना, निम्नगामी अधोगामी को मिलता है। अब उर्वशी को दंड मिला कि तुम पृथ्वी पर जाओ। अब वो पृथ्वी पर आई, राजाओं की जिस भी सुंदर स्त्री पर इच्छा उसमें होती थी, अभी भी होती होगी, तो उसको अपना बनाना चाहता है। उसने कहा कि तू मेरी रानी बन, बोला मैं तो विवाह कर नहीं सकती हूँ, मैं तो उस वक्त मुझे मालूम है, लेकिन मैं तुमसे मुंह तो तुम्हारे ऊपर विवाह करूँ। तो अब वो जब राजा राजहट होता है, तीन हट होते मालूम है, राजहट, स्त्री हट और बाल हट, हट पर अगर ये जो आ जाए तो मुश्किल होता है। तो राजहट आ गया, उनसे बोला ठीक है एक शर्त पर मैं विवाह करूँगी कि जिस दिन मैं आपको निर्वस्त्र देखूंगी मैं स्वर्ग लोक में चलूंगी। राजा बोला मैं जरूर। अब वो उर्वशी एक बकरी के छोटे से बच्चे के साथ हमेशा रहती, जैसे आपने देखा होगा सदमा में श्री देखा आइडिया वही, तो वो हमेशा एक बकरी के बच्चे के साथ उसके साथ जीती हंसती चलती घूमती थी सोती भी। उधर फिर बाद में इंद्र को जरूर पड़ा, रहे भाई वो उर्वशी कहाँ गई, बहुत दिन से देखे नहीं है। तो उन्होंने बोला आपने तो दंड दिया पृथ्वी लोक पर, उनको बुला दो, बट अब आ नहीं सकते, वो शादी कर चुकी है। बोला कोई तरकीब निकालो, तो देवताओं को भेजा, देवताओं से बकरी को बच्चे चुरा लिया जब वो सो रहे थे रात में, और उसको पानी भिगो दिया तो वो चिल्लाने लगा वो अच्छा,
उसकी आवाज़ सुन के उर्वशी रात में उठी और ढूंढने लगी, लेकिन पानी में डूब रहा है तो वो राजा को लेकर चिल्लाने लगा। राजा निर्वस्त सोया हुआ था, राजा दौड़ के गया कि क्या हुआ उर्वशी को, तब तो देवताओं ने बिजली चमकाई, बदमाश थे देवता तो बिजली चमका दिया और रानी ने देख लिया था उर्वशी ने निर्वस्त, वो चली गई। जब वो चली गई तो पुरोवा को बहुत दुख हुआ और उसने जो बोला वो पहला डायलॉग पूरी वर्ल्ड का, और वो दुख में बोला हुआ है इसलिए भूल नहीं करना चाहिए कि भारत के नाटक सुखान पहला संवाद दुख का। उस वेद के बाद जो रामायण लिखा गया वो भी दुख से शुरू हुआ, हमारे यहाँ सारी चीज़ें दुख से शुरू हुई। अगर आपको पता है कि आपके मम्मी पापा हैं बच्चे अच्छे से परवरिश करते हैं, कभी को अपने माता पिता के बारे में पता नहीं था, उनको मालूम था कि उनको कहीं से तालाब के किनारे से पाया गया, कितना बड़ा दुख रहा होगा उनके पास, जस फील करिए तो जानते थे कि हम पेरेंटलेस हैं और कैसे दुख से उभरे। तो हमारे जीवन में जो दुख है उससे कैसे ऊपर उठे अगर कभी हम ये नहीं सिखाते हैं, या आज अगर हम लोग ये नहीं सीखते हैं तो फिर क्लास से लोग ही मतलब है। जीवन में अगर दुख आता है, दुख है, हम इससे ऊपर कैसे, वो पहला डायलॉग था। लेकिन ये घटना सत्य नहीं है, ये लिखा गया है, रामायण लिखा गया कहानी, महाभारत लिखा गया कहानी, अब इतना इतना ऑथेंटिक ढंग से लिखा गया है, हम लोग इसको रियल मान बैठे जी। हम लोग लगता है यहीं से तो राम घुसे थे या पुल बनाए थे, क्योंकि वो ऐसे आधा कहानी लिखेंगे कि विनोद नाम का एक लड़का था, वो ऐश्वर्या नाम की लड़की से प्रेम करता था, लखनऊ में रहते थे, एक दिन दोनों हजरतगंज घूमने गए, 100 साल बाद 2000 साल बाद हजरतगंज था, लोग उसको सच मान लेंगे, हजरतगंज अभी भी है। उन्होंने कैसे ही बोला सरयू नदी और ये सारी चीज़ें जी। मैं वही आपकी बात पे बता रहा था सर कि संकेत में ही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा गया है शुरू में कि शांताकार मुझे पद्मनाथन सूर्य सब, कि इस तरह के व्यक्ति का इंसान ऐसा हो, हाँ, कि जो सांप के शया पर सोया मतलब मौत से भी नहीं डरता है, कुछ गलत है तो लड़ने के लिए तैयार रहेगा। सूर्य सब मतलब कि नीचे गंगा है, गंगा मतलब कि आज पानी मतलब समझ समाज का कल्याण, पद्मनाथन मतलब कि नाभि कमल मतलब ऐश्वर्य। तो अभी जो नाभि में कमल है, जब भगवान विष्णु सो गए थे नाभि में जो है ब्रह्मा रहते थे, वहाँ से मधु कैटर राक्षस जन्म हुआ, फिर दुर्गा आई है, दुर्गा की कहानी भी यही है कि ये मधु कैटर क्या होता है ब्रह्मा का, ये सब मीनिंगफुल है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। हम लोग को आज पहले वाले क्लास में ही समझना है कि प्रतीक का क्या मतलब होता है, क्यों योगी ऋषि ने जो प्रतीकों का उपयोग किए हैं इसको समझ लेंगे, फिर हमें कुछ पता नहीं पड़ेगा, आप खुद ही कभी समझ लेंगे। ये ओरिएंटेशन इसको कहते हैं विषय प्रवेश, इसलिए हम कुछ कुछ बातें बता जा रहे हैं, हर्मेनिटिक्स क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, अब अंतिम चीज बता रहे थे डायलॉजिकल फॉर्म, क्यों डायलॉजिकल फॉर्म में ही लिखा होता है, लिखा हुआ हमारे ग्रंथ इससे लिखा होता है कि प्रश्न जो हमारे भीतर से आते हैं वही सही प्रश्न है, और उसको हम लोग बाहर पूछते रहते हैं और कभी भी संतुष्ट नहीं होते। जो भी प्रश्न आपको आया, क्या न्याय होता है, क्या प्रेम होता है, क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, और आप पूछते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, आपको कभी भी संतुष्ट नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उत्तर भी हमारे भीतर से ही आता है, जैसे प्रश्न हमारे भीतर से आता है उत्तर भी हमारे भीतर से ही आता है, ठीक है। तो जो प्रश्न हमारे भीतर आता है उसको क्वेश्चनिंग माइंड कहा गया, संशयात्मक शक्ति, और जो आंसरिंग माइंड हमारे भीतर उसको निष्क्रियात्मक शक्ति कहा गया है। तो जो कवि होता है, पहले ऋषि को कवि कहा गया, ये समझिए कवि अलग और ऋषि अलग नहीं होता है, जो वैदिक ऋषि है वो कवि है, भरत मुनि ये कवि है, कवि कवि इसलिए नहीं जो कविता लिख रहे हैं, उन्होंने कुछ लिखा हुआ वो नहीं है, लेखक कबीर और कवि कबीर नहीं हुआ है। जो ऋषि होता है उसको हमारे वैदिक परंपरा में सब कवि कहा गया है, यानी जिसको वो दिखता है जो हमें नहीं दिखता। आज अगर कोई कवि है किसी भाषा में, अगर उसको वो दिखता है जो हमें नहीं दिखता तभी वो कवि, अदरवाइज वो कवि नहीं, आप मत मानिए, ठीक है। तो हर शब्द का मतलब होता है, मैंने बताया निरुक्ति, मैंने बताया जैसे अगर शंकर है, शंकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, शम करोति इति शंकर, जब शमन जो हमारे आवेग का शमन करता है, जो भी करता है भाव, वो शंकर है। शम किसका स्थायी भाव है, शांत रस का, ना तो शरद नहीं का, ठीक है। उन्होंने निरुक्ति क्या है वो भी समझाया छठे अध्याय में, कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ना चाहता, हम लोग ज्यादा गहराई में जाना ही नहीं चाहते। तो चूंकि हमारे भीतर का क्वेश्चनिंग माइंड, हमारे भीतर का आंसरिंग माइंड ये इम्पॉर्टेंट है, इधर इशारा करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कवियों ने क्या किया है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद कर दिया। अर्जुन क्या हमारी क्वेश्चनिंग माइंड है,
और कृष्ण हमारी आंसरिंग माइंड है। नचिकेता यम के बीच बात करें, नचिकेता हमारा क्वेश्चनिंग माइंड है। पूर्वा उर्वशी से पूछ रही है, पूछ रहे हैं तुम क्यों हमें छोड़ के चले गए। पूर्वा हमारे क्वेश्चनिंग माइंड है, उर्वशी आंसरिंग माइंड है। इसलिए डायलॉजिकल फॉर्म में लिखा गया है, हमारी भीतर डायलॉग चलता रहता है, हमारे भीतर दो माइंड के बीच डायलॉग चलता रहता है जिसको प्रतीक रूप दिया गया है। हम लोग प्रतीक में खो जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम फिर से आ जाते हैं संध्या भाषा, उल्टी बारी। हम लोग पहले क्लास के लिए कितना समय बचा है, 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 10 मिनट है। तो इस प्रतीक भाषा को समझ लेते हैं। कबीरदास के बारे में, हाँ 15 मिनट। कबीरदास जी के बारे में पहले जानते हैं, कबीर साहब क्या बोलते हैं। कबीर साहब बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कहता, ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ शब्द शब्द बोल रहा हूँ सुनिए, मैं कुछ नहीं कहता, मैं कृष्ण की बांसुरी हूँ, बांसुरी में कृष्ण खूब भरते हैं, आप तक पहुँचता है, आप कहते हैं कि कबीर। कबीर खुद कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कहता, मैंने कुछ कहा ही नहीं, इस बात को दिमाग में बैठा लिया, कबीर ने कुछ नहीं कहा है। कबीर के जरिए कृष्ण ने कहा है, मैंने वो कृष्ण, वो कृष्ण ही वासुदेव को, उनका राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, उनका राम कृष्ण का भी सब ठाई आकर है, वो शुद्ध चेतना है, ट्रांसेंडेंटल है, उसको नहीं समझेंगे तो आप फंस जाएंगे, फिर वो जय श्री कृष्ण जय श्री राम हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा वो किस चीज़ को कह रहे हैं। पहली बात वो कह रहे हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं रहा, ठीक है, कुछ बातें बीच बीच में से स्किप भी हो गई हैं, उस पर फिर हम डिटेल में बात करेंगे। पहली बात ये स्किप क्या हो गई है, क्षिति मोहन से पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने, जिनके मन में इच्छा पैदा हुई, वो बनारस के मंदिरों मठों में घूम के यहाँ के जो साधु महात्मा हुए उनकी वाणियों को कलेक्ट करें। क्लियर, 100 साल पहले की बात है, कोई कबीर को नहीं जानता था, पूरी पृथ्वी में एक भी इंसान कबीर को नहीं जानता था, न कबीर मठ के व्यक्ति लोग जानते थे, न कोई कबीर मठ था, न कोई कबीर पंथ था, ये साइंटिफिक फैक्ट्स को बता रहे हैं। क्षितिमोहन सेन ने क्या किया, सारे जगह पर सारे लोगों की, रविदास को नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था, उन्होंने वाणियों को इकट्ठा किया, पता चला इसको कोई महात्मा कबीर है उनका कहा हुआ है, ये कोई महात्मा है दादू उनका कहा हुआ है, ऐसे इकट्ठा किया, सब लेकर के उस समय के सबसे बड़े कवि थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, वो क्षितिमोहन सेन रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास पहुंचे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्कॉलरशिप टीम बनाई और उन्होंने कबीरदास के उन कविताओं में से 100 कवियों कविताओं को चुना, 100 पदों को चुना, पद अलग चीज को करते हैं, कविता अलग चीज को, गीत अलग चीज को, बाद में बात करेंगे, और उन 100 पदों का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, रात में नींद नहीं हुई क्या पूरी, मैं पूरी रात जगा हुआ हूँ, मेरा गला बैठा हुआ फिर भी मैं जग के बोल रहा हूँ और मेरे पास पूरी आवाज, कई लोगों को नींद आ रही है, कोई बात नहीं, दोपहर में गर्मी आती है, लेकिन सुन लीजिए, आप लोग पढ़ने आए हैं सुनना पड़ता है, सुन लीजिए, मेरी भी गलती नहीं जब मैं बुलाया गया। तो कबीर दास के 100 पदावलियों का, पदों का आपको भी कई और लोगों को देखा पढ़ने के लिए, आपको नहीं पढ़ा, 100 पदों को हमने अंग्रेजी अनुवाद किया और 100 पोएम्स ऑफ कबीर नाम से पहली किताब इस पृथ्वी पर प्रकाशित की। तो लोगों ने ये नाम पहली बार सुना कबीर, उससे पहले कोई नहीं जानता। तो जो ये उस वक्त उपलब्ध थी उनकी कविताएं, तो उस वजह से भी तो थोड़े लोग जानते होंगे, जो वाणियां रखी हुई थी मंदिरों में, लोगों ने पूछा कि ये क्या है, ये तो हमारे एक कोई हुए, कोई कबीर हुए हैं लिखा, तो कबीर अच्छा ये क्या है, ये तो एक रैदास, कोई रैदास बोलना भी नहीं जानता था उसमें, रैदास क्या होता है, रविदास क्या होता है, कबीर ही है कबीर या कोई और है, कहाँ जब वो कुछ नहीं जानते, उनकी वाणियां उसको इकट्ठा किया, वो गए रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किताब छापी, 100 पोएम्स ऑफ कबीर मौजूद है रूपा पब्लिकेशन से, बहुत पतले में, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो पहला ऑथेंटिक किताब। वाणियां किस रूप में थी, वो लिपिबद्ध नहीं थी, नहीं वो कैसे, सदुकड़ी भाषा में थी, अभी मैं उस पर आऊँगा, भाषा पर इसलिए आऊँगी, भाषा को ही समझना है कि सदुकड़ी भाषा क्या होती है, अपसाइड डाउन लैंग्वेज क्या होता है, प्रतीक भाषा, तो इस पर ही सिर्फ हमें रहना है, उस पर आने से पहले ये ऐतिहासिक जानकारी ले लीजिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी किताब छपी 100 पोएम्स ऑफ कबीर, अभी बहुत स्लिम बुक के रूप में मौजूद है,
उनकी वाणी लिखी हुई है अंग्रेजी के लेटर्स में, जिसको रोमन कहते हैं, उसका अनुवाद पहला। ठीक, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। उनके यहाँ हिंदी के अध्यापक थे शांति निकेतन में, विश्वभारती में, आचार्य हजारी कृष्ण द्विवेदी। उन्होंने वो जब वहाँ से बाहर निकल गए, उन्होंने किताब लिखी कबीर, पहली हिंदी में किताब कबीर। आचार्य हजारी कृष्ण द्विवेदी रविंद्रनाथ ठाकुर किताब का नाम हंड्रेड पोएम्स ऑफ कबीर, पहली कबीर पर जो किताब छपी वो अंग्रेजी में छपी। फिर हजारी कृष्ण द्विवेदी वहाँ हिंदी के शिक्षक थे, उन्होंने पहली हिंदी में किताब लिखी कबीर। कबीर पर जो किताब लिखी वह कठिन थी। अब कबीर की बहुत सारे पद, अब लोगों का ध्यान करें कबीर कोई हुआ है पद, और ये घोटते गए मिलते गए, बहुत सारे घटना हो गया। जैसे नाट्यशास्त्र पहले 17वां चैप्टर मिला, 7वां मिला, फिर 29वां मिला, फिर पहला मिला, फिर उसको कंपाइल करके छापा गया, फिर उसको एडिट किया गया, करते करते फाइनल वर्जन तैयार हुआ। वैसे कबीर पर आए थे, कबीर हुए थे इतने बड़े व्यक्ति, ऐसी अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, और ढूंढो और ढूंढो, खूब सारा पाइलअप हो गया इतना सारा उनकी बात। अब क्या किया जाए, उसको कैटेगरी की गई और उस पहली बार उसके बाद जो काम हुआ वो फाइनल काम हुआ, उससे बेहतर कोई काम ही नहीं हुआ है। रविंद्रनाथ ठाकुर, हम लोग टैगोर नहीं बोलेंगे, अंग्रेज लोग टैगोर बोलते हैं, वो भारतीय है, रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी कृष्ण द्विवेदी हिंदी में। अब तीसरा एक और व्यक्ति आ रहा है विद्वान, उसने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने एक प्रकार के पदों को एक तरफ रखा, जो दो दो लाइन की थी, चार चार लाइन वाले को एक तरफ रखा, खास जनरी मीनिंग वाले को एक तरफ रखा। वैसे ही जैसे बुद्ध ने जो बोला था उस समय उन्होंने मना किया था, कोई मेरे वचनों को नहीं संग्रहित करेगा। बुद्ध का जब देहांत हुआ तो जितने भी बौद्ध थे उनके शिष्य सबका कॉन्फ्रेंस हुआ लंबा, और सबने जो सुना था बुद्ध से सब कुछ जगह लिखना शुरू किया। तो एक प्रकार तो तीन पेटियां बन गई, पेटी बोला जाता बक्से को, एक प्रकार की वाणी को एक पेटी में, एक प्रकार को एक में, और तीसरे को तीनों को मिला के बोला गया त्रिपिटक। तो जिसमें विनय की बात कही गई है, एक योगी एक स्टूडेंट तो कैरेक्टर कैसा हो वो विनय पिटक बना, जो उनका ज्ञान सूत्रों में था वो सूत्र पिटक बना, और जिसका साइको फिलोसॉफिकल एनालिसिस हुआ वो अभिधम्म पिटक बना। सिमिलरली कबीर के जो दो दो लाइन के पद थे उसको एक तरफ किया गया, उसको साखी कहा गया, जो चार चार लाइन के थे उसको शब्द कहा गया, और जिसमें आत्मा में रमण करती थी उसको रमायणी कहा। हम लोग ये शब्द सुने साखी शब्द रमायणी रमायणी। साखी शब्द कहाँ से आया, संस्कृत का शब्द है साक्षी, गवाह होना। साक्षी को कबीर के समय में साखी बोलते थे, सदुकड़ी भाषा, साधुओं की भाषा। शब्द क्या हुआ, शब्द शब्द क्या है, तत्सम है, शब्द है तद्भव, ये भी आप लोगों को हाई स्कूल में पढ़ाया गया, तत्सम तद्भव, ठीक है, तद्भव नाम से पत्रिका में चलती है। तो साखी शब्द रमायणी तीनों का एक किताब है, उसका नाम हुआ बीजक, जिसमें सारा बीज कबीर साहब की वाणी मौजूद है, जितने भी बीज प्रकाशित हैं। आप किसी को एक चीज ये बताइए, साकी जो दो लाइन में लिखी उनको साकी है, शब्द में कितनी लाइन है, चार साकी है, साखी है, साक्षी को साकी बोला जाता है। जैसे हम लोग षड्यंत्र नहीं बोल पाते कि गांव के लोग तो षड्यंत्र बोल देते हैं ना, बस वैसे मैनी में जैसे षड यदि शब्द सात स्वर होते हैं या तो उसको खरच साधना बोलते हैं, खरच बोलने में ऐसे नहीं था, मुख सुख के लिए रोक। रमैनी क्या होता है सर, रमन करना, मैंने आप बाहर जो मूव कर रहे, घूम रहे, वॉक कर रहे हैं, आप अपने भीतर आत्मा में रमन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण। ऐसा व्यक्ति कौन था, कबीर था, कबीर। हाँ। ऐसी बातें जिस कैटेगराइज किया गया, किसने किया, ठाकुर जयदेव सिंह, ठाकुर जयदेव सिंह तीसरे स्कॉलर अब आ गए, रविंद्रनाथ ठाकुर पहली अंग्रेजी में किताब, अजय शर्मा अंग्रेजी, तीसरा ठाकुर जयदेव सिंह। फिर इनकी किताब अगर आप पढ़ लेंगे, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पढ़ना भी नहीं चाहिए। कई लोगों ने किया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने किया है, लिंडा हेस ने किया है कबीर पर, बीजक ऑफ कबीर, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कबीर वांग्मय नाम से किताब छपी है ठाकुर जयदेव सिंह की, इसमें तीन अलग अलग किताबें हैं, साखी शब्द रमय। नाम बता दीजिए क्या, कबीर नाम गौतम चटर्जी, एक दिन में एक ही बार पढ़ते हैं मेरी स्टाइल में। सर कबीर के दोहे हो गए या फिर कबीर के पद जो भी होते वो इतने पद बोले कि कविताएं। हाँ सर,
पद बोलिए पद, तो जो पद है वो इतने टफ या इतने घुमावदार क्यों होते हैं? हमने अपने दिमाग में पूरा तैयार कर लिया है, पहले वाली क्लास में क्या बताना है, इस वाली क्लास में क्या बताना है, आपको भी सामान्य जानकारी देखिए, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, हर्म्यूटिक्स कॉन्शियसनेस जानना बहुत जरूरी है, हर्म्यूटिक्स जानना बहुत जरूरी है, डायलॉजिकल फॉर्म जानना जरूरी है, क्षितिमोहन सेन, रविन्द्रनाथ ठाकुर और हजमशर द्विवेदी और ठाकुर जयंत सिंह जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी, बस अब हम उसे गहराई ये इन्होंने जयदेव सिंह जी ने कौन सी किताब लिखी कबीर वांग्मय 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 सर जो संध्या भाषा आपने बताई वो उल्टी भाषा है उल्टी अब हम उसकी गहराई भी पढ़ने है ना तो अब जो इस क्लास को हम एक विराम देने जा रहे हैं भारतीय परंपरा में अंत नहीं होता विराम में विश्राम होता है विराम देने जा रहे हैं वो रिकैपिचुलेट करेंगे हम लोग अगले क्लास में कि पहले क्लास में हम लोगों ने हमें अभी तक क्या सरप्राइज हुआ है और क्यों उसको जानना जरूरी था हम लोग कहाँ तक आ गए थे ठाकुर जयदेव सिंह किताब ही पढ़ने लायक किताब है ऑथेंटिक है इतनी अच्छी व्याख्या है इतनी सुंदर व्याख्या किसी ने नहीं की तो आप कोई ये किताब पढ़ सकते हैं रामायणी पहले से पढ़ सकते हैं या साकी या सबल या बनारस में विश्वविद्यालय के बच्चे से चल रहे और उसके अलावा किसी किताब पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सब जगह कुछ ना कुछ अलग है कुछ ना कुछ अलग है आप कन्फ्यूज हो जाए जैसे नाट्यशास्त्र का जब आप पाठ पढ़ेंगे तो कहीं पर तीन ऑथेंटिक माने जाते हैं एक है गायकवाड़ ओरिएंटल की सीरीज बड़ौदा एक चौकम्बा संस्कृत सीरीज और एक बॉम्बे का तीनों में श्लोक कारिका इसको आप कह रहे हैं सब में अलग अलग है आप किसको सही मानेंगे नई कांत तो भवतां दीवानं चारुं भावनं त्रैलोक्यस्य सर्वस्य भावनाट्यम इति नाट्यम ये भरतमुनि बता रहे नाट्य क्या है त्रैलोक्यस्य सर्वस्य भावानुकीर्तनम इति नाट्य मैंने तीनों लोगों के भावों का अनुकूलित नाट्य ठीक है ये हिंदी का तो क्लियर हो जा रहा है अब जो पहली पंक्ति थी कि नई कांत तोत्र भवतां देवानं चारु भावनं एक एडिशन लिखा है चात्र भावनम एक एडिशन लिखा है चापी भावनम चारु भावनम चात्र भावनम चापी भावनम कौन सा सही है पिछले 100 सालों में विद्वानों ने आके इसको क्यों नहीं फाइनल पार्ट बनाया है क्यों पार्ट भेद दिया गया सिमिलरली कबीर के जो भी आप पार्ट पढ़े सब अलग अलग मिलेंगे मठों से छपे हुए अलग दूसरों के अलग ये जो पाठ भेद है उससे बचने के लिए हम आपको सूचित कर रहे हैं सिर्फ ठाकुर जयदेव सिंह का पढ़िए इसमें एक एक शब्द को उन्होंने आराम से विस्तार से समझाया है और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझाया है विश्व के दर्शन के परिप्रेक्ष्य से जब पढ़े अब हम लोग जो अगले क्लास में पढ़ने जा रहे हैं देखिए क्योंकि भाषा जैसे ये वो संबंध आता है कि ताचड़ी मुला बाघ दे बहराव क्या खुदा बहराव या जिला या पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो पहाड़ पूजे से समझ में आता है ऐसी बातें जो समाज की बातें हैं घर जो समाज में होता है बाहर दिखता है इसकी बातों में सिर्फ 1% अपने पूरे जीवन का लिखा कुछ भी नहीं उन्होंने बोला है गाते हुए चलते थे लोगों ने संग्रहित किया जैसे प्लेटो ने कुछ सॉक्रेटिस ने कुछ नहीं किया है प्लेटो ने संग्रहित किया है बुद्ध ने कुछ नहीं किया है आनंद और अशोकोष ने किया है वैसे कबीर ने कुछ लिख के नहीं गए बोले गाते चले जाते थे बाद में पता चला कि राग भैरवी में है राग भावकंस में राग तिलक कामोद में ये बाद में हुआ है तो उनकी उन्होंने किस चीज पर ज्यादा बोला है जाहिर सी बात है योगी महात्मा योगी जो महात्मा होगा वो आत्महत्या पर तो बोलेगा नहीं योगी महात्मा जो होगा वो पेप्सी पर बोलेगा नहीं योगी महात्मा योग पर बोलेगा ना आत्मा पर बोलेगा ना 99% उन्होंने उस पर बोला है जो कठिन है जिसका इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज हम तक आ रहा है संध्या भाषा इसलिए कंबल बरस रहा है आपको खाली कंबल समझ में आ रहा है बरसना समझ में आ रहा है पानी समझ में आ रहा है भीगा समझ में आ रहा है यानी आपको संध्या काल में कुछ चीजें साफ नहीं दिखती है ना कुछ को दिखता है ठीक है आपको सारे शब्द सुने हुए लगेंगे मतलब समझ में नहीं आएगा हाँ। इसको कहते हैं उलटबाजी या संध्या भाषा आखिर उन्होंने इस भाषा में क्यों बोला और इस भाषा में क्यों बोला प्रतीक भाषा में उनका क्या मतलब होता है ये हम लोग के अगला क्लास का विषय इसके लिए दो तीन चीजें और बता दें दो तीन मतलब लाइंस खाली बता दे रहे हैं बाप पूत की एक है नारी ठीक है बहुत सरल बाप माने पिता पूत माने बेटा की एक है नारी दोनों की स्त्री जो है एक ही है दोनों माँ एक है माए बी आए
बाप और बेटा दोनों एक ही माँ से ब्याह में जन्म ले रहे हैं। पहली लाइन है, ऐसा प्रूफ सबूत न देखियो, ऐसा बेटा नहीं रहेगा जो सबूत है, बापो चिन्ह उठाए, पर जो पिता को पहचान ले रहा है। आपको पिता समझ में आ गया, पुत्र समझ आ गया, स्त्री नारी समझ में आ गया, सबूत भी समझ आ गया, बाकी मतलब नहीं समझ में आया। इसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। कबीर ये कह रहे हैं क्यों कठिन हो रहा है, क्यों संध्या भाषा में कह रहे हैं, क्यों प्रतीक भाषा में कह रहे हैं, नहीं कह रहे तो क्या होता, सीधे सीधे बोल सकते, ठीक है। एक अचंभा देखा रे भाई, एक आश्चर्य देखा, ठाड़ा सिंह ने चरावे गाय, शेर खड़ा होकर गाय चरा रहा है ना। शेर जानते हैं, गाय जानते हैं, चराने जानते हैं, मतलब नहीं जानते। इनको मतलब को समझे बगैर कबीर को नहीं समझा सकता है, उसको हम लोग समझेंगे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ड्रामेटिक चीज है यही होगा। थैंक यू सर।